हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति। आज के वीडियो में हम देखेंगे शुगर केन यानी गन्ना को आप अपने गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसको आप पॉट्स या कंटेनर्स में भी बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको बाजार से खरीदी हुई ये ब्लैक वैरायटी वाला शुगर केन है, इसको कैसे ग्रो करना है पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, और वीडियो के लास्ट में हम गार्डन से शुगर केन हार्वेस्ट भी करेंगे। शुगर केन को ग्रो करने के लिए फरवरी से मार्च का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुगर केन ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब ये एक तरह का ग्रास है। दूसरी बात, इसको पूरी तरीके से मैच्योर होने में, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होने में कम से कम एक साल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ वेराइटीज़ को आप 10 से 14 महीने के अंदर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। शुगर केन को आप किसी बड़े साइज़ के पॉट या कंटेनर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जब ये ग्रो करे, लंबा होने लगे, तो इसको आप कुछ सपोर्ट दे दें जिससे ये एक तरफ गिरने ना लगे। बहुत आराम से आप इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, पॉट्स में, कंटेनर्स में, ज़मीन में, गार्डन में, कहीं भी। अगर बात करें हम इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, तो शुगर केन को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छे से ग्रो करने के लिए, और इसके ग्रोथ पीरियड में इसको आपको वाटरिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पीसेस में इसको कट किया है, और इसके पीसेस कट करने में ही इसको ग्रो करने का पूरा ट्रिक है। तो एक शुगर केन से मैंने इतने पीसेस कट कर लिए हैं, और मैं आपको थोड़ा क्लोज़र लुक से दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि इसमें हमें कटिंग्स लेनी कैसे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पीस ये करीब 1 फुट का होगा। इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, नोड्स यानी जॉइंट्स। जैसे कि मैं हमेशा किसी भी प्लांट के लिए बोलती हूँ कि जॉइंट्स या नोड्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए, क्योंकि इन्हीं जॉइंट से, इन्हीं नोड से नया प्लांट निकलता है। अब अगर हम चाहें तो एक इस पीस में हम कई सारे भी पीसेस तैयार कर सकते हैं अलग अलग ग्रो करने के लिए, सो करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये हमने एक पीस लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जॉइंट्स हैं या बहुत सारे नोड्स हैं। इन्हीं पॉइंट से जो आप ये देख रहे हैं बड, यहीं से नया प्लांट निकलता है। तो अगर हम चाहें तो इतना एक पीस भी कट कर सकते हैं सो करने के लिए, हमें इतने बड़े पीस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ग्रो करूँगी तो ये सभी जगह से नए नए प्लांट्स ग्रो होंगे, चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बड्स से जर्मिनेशन हो, सारे ही बर्ड से नया प्लांट निकले। तो आप देख सकते हैं एक पीस आप इतना निकाल सकते हैं, दूसरा इतना, तीसरा इतना और चौथा इतना। तो बेसिकली हम इसमें 4 पीसेस और तैयार कर सकते हैं सो करने के लिए, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ग्रो करने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम ग्रो करते हैं शुगर केन को अपने गार्डन में। ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ इसे फुल सनलाइट मिले। इसको हमें ग्रो करना है हॉरिजेंटली, तो उसी तरीके से हमें खुरपी या किसी शॉवल का यूज़ करके इसको हॉरिजॉन्टली लगाते हुए अच्छी तरीके से ग्रो करना है। ऊपर से आप सॉइल डाल दें और इसकी अच्छे से वाटरिंग करें। आपको इसमें स्प्राउट्स दिखना शुरू होंगे दो हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में। ह्यूमिड वेदर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और इसकी लंबाई करीब 9 से 10 फीट तक जाती है। शुगर केन को आप एक बार लगाने के बाद 3 बार तक हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। सिर्फ इसको वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली समर्स में इसकी वाटरिंग बहुत अच्छे से करनी है, और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही दें इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। बात करें अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे, किस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसे आप 2 बार 3 बार और हार्वेस्ट कर सकें। तो जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो आपको नीचे की स्टेम थोड़ा छोड़ देनी है 2-4 इंचेस तक, ताकि वहाँ से नए शूट्स निकलें, नए स्प्राउट्स निकलें और नया पौधा आपका तैयार होगा, जो बाद में आप फिर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपना एक मैच्योर शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं, जो है ग्रीन वैरायटी वाला। ये कई और कलर्स और वैरायटीज में आता है, जैसे ग्रीन स्टेम, रेड स्टेम, डार्क रेड स्टेम वैरायटी। तो ये रहा हमारा शुगर केन का हार्वेस्ट। आपने देखा कि कितने आराम से ग्रो हो जाता है, इसमें कुछ एफर्ट नहीं लगना है, सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। एक बार आप लगा दें फिर साल भर के लिए आप भूल जाएं उसको, सिर्फ वाटरिंग करते रहें। अगर बीच बीच में आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी, नहीं भी डालेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ग्रो होगा। तो ये रहा हमारा हार्वेस्ट। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स भी दी होंगी, तो आप इसको ज़रूर ग्रो करें, गार्डन है तो गार्डन में, अगर गार्डन नहीं है तो बड़े साइज़ के पॉट्स में। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।